चीज़ें मैंने लिखी है, HTML बॉडी और टाइटल मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, अभी टाइटल डाल देना आप लोग भले, तो वो तो कंपलसरी है। वो आपके किसी भी किस्म का वेब पेज बनाओगे, चाहे उसमें आप टेबल डालो, चाहे टेक्स्ट डालो, चाहे पैराग्राफ डालो, चाहे आप ये फॉर्म है ये बनाओ, तो ये शुरू का जो टैग है ये तो हर जगह रहेगा, HTML बॉडी टाइटल यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद ये पोर्शन, ये जो देख रहे हो आप, ये यहाँ से हमारा काम शुरू हो रहा है। मैंने पहले बताया कोई भी काम करने के लिए HTML में उसका अपना एक टैग है। अब यहाँ पे हम काम कर रहे हैं फॉर्म का, तो फॉर्म के लिए हमने यहाँ फॉर्म का टैग दे दिया। ये वही कैप्शन है जो हमने पहले यूज़ किया था, कैप्शन बेसिकली कहते ही टाइटल को। तो टाइटल यहाँ पे जो ऊपर में टाइटल लिखता हूँ ना, यहाँ बॉडी के इधर इससे HTML के बाद इसमें टाइटल जो लिखता हूँ ये आपके पेज पे वो नज़र आएगा जो ब्राउज़र खुलेगा, ठीक है। माई फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। कोई कैश सेंसिटिव है, कोई इशू नहीं है अगर कैपिटल में भी आ जाता है तो, ठीक है। तो बहरहाल यहाँ पे वही कैप्शन दिया हमने सेंटर में, जी इसको दे दिया कि जी एक हेडिंग दो, एक वो लगाओ टाइटल कौन सा, फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म का उसका हेडिंग क्या हो, टाइप टू का हो, थोड़ा सा बड़ा हो, कैप्शन बंद कर दिया। फिर हमने पहला कंट्रोल यहाँ फॉर्म का पहला एलिमेंट लिया, ये पहले वाला गौर करो, ठीक है। ये कौन सा है जी, लेबल। लेबल कौन सा है, लेबल वही होता है जो आपके किसी आप बूट खरीदने जाते हो या कपड़ा खरीदने जाते हो उसके साथ एक वो टैग लगा होता है, प्राइस टैग जिसको कहते हैं, उसको भी एक तरह से लेबल कहते हैं। लेबल का क्या बना होता है, वो चिपका रहता है, मतलब उसका काम बिल्कुल फिक्स होता है एक जगह पे, एक तरह से लेबल बेसिकली उसकी मीनिंग ये है। तो इसीलिए यहाँ पे इसको लेबल बोला है कि जो आपके टेक्स्ट होते हैं ना फॉर्म के अंदर, जो वो आपको बेसिकली लेबल बता रहा होता है कि आगे जो कंट्रोल है फॉर्म के अंदर, जो साथ में या सामने बराबर में जो कंट्रोल है वो है क्या, उसका क्या पर्पज है, मतलब वो उस कंट्रोल से रिलेटेड आपको बता रहा होता है। अब एक साइड पे फील्ड होगा ना टेक्स्ट, उसके साइड पे लिखा होगा कि नेम, इसका मतलब क्या है कि वो बता रहा है कि ये जो नेम टैग है ये आपको बता रहा है कि आगे वाले खाने में आपको नाम लिखना है। फिर नीचे एक और लेबल होगा कि फादर नेम, उसके सामने एक टेक्स्ट बॉक्स होगा, साइलेंट कर दो इसको, उसके सामने एक टेक्स्ट फील्ड होगा, वो लेबल बराबर में फादर नेम का क्या बता रहा है कि ये फादर नेम है, उस टेक्स्ट फील्ड में आपको फादर नेम डालना है। तो लेबल वो है जो साइडों के फॉर्म पे बराबर में जितना टेक्स्ट लिखा हुआ आता है, चाहे आपके हार्ड कॉपी में हो, चाहे किसी ब्राउजर के अंदर किसी फॉर्म पे आप किसी यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल कर रहे हो, तो लेबल वो है। तो ये लेबल है, यहाँ पे लेबल को ये फॉर करके इसका नाम दिया हुआ, ये जो नाम दे रहे हैं ना हम, ये बेसिकली प्रोग्रामिंग पर्पज़ के लिए होता है, क्योंकि ये जो नाम आगे आपने लिख दिया ना फर्स्ट नेम, ये तो लेबल बेसिकली आ गया कि लेबल कौन सा होगा, साइड पे नाम, फादर नेम, एज, जो भी आता है ना, ये वो वाला टेक्स्ट है, ठीक है। किस फॉर्म में आएगा, लेबल फॉर्म में आएगा, ठीक है। और ये इसका एक अलग से यूनिक नेम है, ये जो नेम है ना ये एक अलग नेम है जो हम जब इसके ऊपर प्रोग्रामिंग करेंगे, कोडिंग करेंगे, जो डेवलप अलग स्पेशली जो डेवलपर वाला काम करेंगे वहाँ पे हम इस चीज़ को लेंगे, इस नाम को कंसिडर करेंगे, जब डेटा आगे पीछे सेंड कर रहे होंगे, जो पोस्ट और गेट वाला काम हो रहा होता है ना, तो बैक एंड पे ना जो काम हो रहा होता है ना बैक एंड पे, हम इसको यूज़ करेंगे, ये फर्स्ट नेम और बाकी चीज़ें हम वहाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको ये समझ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला कंट्रोल हो गया, जो हम कहाँ लेते हैं नेम, फादर नेम, एज, एड्रेस, जो साइड पे जो जो हम लिख रहे होते हैं ना वो सारे लेबल होते हैं, एक मैंने करके बता दिया फर्स्ट नेम करके। अच्छा, फर्स्ट नेम के साथ फिर हमने क्या कर दिया जी, नेम का एक टेक्स्ट बॉक्स बना दिया, ठीक है। अब बाकी लेबल के अलावा जितने कंट्रोल्स हैं उसके साथ हम इनपुट लिखेंगे, इनपुट और टाइप जो मैंने पहले थ्योरी में आपको समझाया था, ठीक है। इनपुट लिखेंगे और उसके सामने लिखेंगे टाइप, टाइप के साथ इक्वल टू, फिर हमारा जो है ना वो कंट्रोल का नाम आएगा जहाँ पे, यहाँ पर जो हम रखना चाहते हैं इनपुट का। अब उसमें ये टेक्स्ट भी होगा, चेकबॉक्स भी हो सकता है, फिर टेक्स्ट हो सकता है, या आपका जैसे टेक्स्ट एरिया में हम नहीं ले रहे जैसे लेबल के तरह, ठीक है। बस ये यहाँ तक हो गया। रेडियो भी ले सकते हैं, यहाँ पे आप इंक्लूड करो इनपुट टाइप एक रेडियो, ये आप अपना एग्जांपल बनाना उसमें रेडियो डाल देना, जो कंट्रोल हमने यहाँ यूज़ नहीं किया एक आध मिस हो वो आप एक दूसरे कोडिंग में डाल देना, ठीक है। अच्छा जी, तो
तो यहाँ पे हमने आगे नेम ले लिया भाई, पहला नाम मेरा फॉर्म के अंदर लिखना है भी, पहला फॉर्म आप नाम जो है ना यहाँ टाइप करो, टेक्स्ट बॉक्स बना दिया हमने, उसका नाम हमने ई नेम कर दिया, एम्प्लॉय नेम जैसे कह सकते हो या स्टूडेंट नेम एस नेम कर दो आपकी मर्जी है, साइज उसका 30 करेक्टर रख दिया, मैक्स लेंथ 30 करेक्टर तक उसके अंदर आप टाइप कर सकते हो, इसके आगे वो टाइप करने आपको देगा ही नहीं, वो वहीं पे ब्लिंक होता रहेगा कर्सर आपका, ठीक है। वैल्यू मैंने इसको खाली छोड़ा हुआ है, ये वैल्यू वो है जो उस कंट्रोल के अंदर हमें नज़र आ रहा होता है जब वो ब्राउज़र रन होता है, ठीक है। जैसे जैसे मैं लास्ट में भी आपको बताता हूँ वैल्यू को क्या है, आगे चलते बल्कि यहाँ आ रहा है। दूसरा टाइप हमने चेकबॉक्स ले लिया, चेकबॉक्स वही है जो हम चेक लगाते हैं जी, मुझे एचटीएमएल भी करना है, मुझे वर्ड भी करना है, मुझे पावर पॉइंट भी करना है, ये इसमें मुझे दाखला चाहिए, वो सब के सामने हमने चेकबॉक्स लगाया होगा। तो कैसे लिखेंगे, इनपुट टाइप में हम टेक्स्ट की जगह यहाँ पे चेकबॉक्स कर दिया, उसका एक अलग से यूनिक नेम ये सब में डालना है, यूनिक नेम सबको देना, यूनिक नेम जेंडर कर दिया इसका, जेंडर में यहाँ पे वैल्यू इसका मेल कर दिया, ठीक है। अच्छा अब ये मेल कौन सा है जी, ये मेल आपका वो है जो उस पर वहाँ पे लिखा हुआ होगा चेकबॉक्स के सामने, ठीक है, ये हमने टाइप कर दिया। इसी तरह दूसरा लिया हमने जेंडर, इसको मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ ताकि ये भी आपको समझ आ जाए, सही है, मतलब तो नहीं क्या है ईमेल की स्पेलिंग, ठीक है। ये हो गए दो, हमने चेकबॉक्स लगा दिए यहाँ पे, फिर एक टेक्स्ट लिया सिंपल पैराग्राफ टाइप का, ठीक है, इसमें सैलरी हमने लिख दी इसको। फिर इसी तरह हमने दोबारा एक और कंट्रोल डाला फॉर्म के अंदर, वो भी टेक्स्ट डाला, उसका नाम हमने दे दिया सैलरी, उसके 10 करेक्टर रखे और 10 तक ही उसको लिमिट दे दिया मैक्स, उसका उसका भी हमने इसको खाली रखा रहने दिया। टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स के हमने इसलिए ये वैल्यू में देख रहे हो, वैल्यू में 0 रखते हैं, जो भी टेक्स्ट बॉक्स होगा ना फिल करने के लिए जिसमें हमें टाइप करना है, आप कोई फॉर्म खोलते हो उसके अंदर जहाँ टाइप करते हो ना उसके अंदर पहले से कुछ नहीं लिखा होता, उसका मकसद यहाँ पे ये, इधर अगर हम टाइप कर देना इस वैल्यू पे यहाँ पे, तो वो जो फॉर्म हमारे सामने खुला होगा ना वो यहाँ पे जो लिखा हुआ होगा वो पहले से उसमें लिखा हुआ नजर आएगा, आप अभी करके भी इसको देख सकते हो, ठीक है। इसी तरह फिर हमने एक टेक्स्ट एरिया डाल दिया, जो मैं फीडबैक वाली बात कर रहा था आप लोगों से कि कोई फीडबैक देना, तो वहाँ पे हम काफ़ी सारे लाइनें लिखनी पड़ती, लोग पूरा पैराग्राफ लिखते हैं भाई आपका कंपनी ऐसा है, आपका इरादा ऐसा है, इदारा ऐसा है, इसमें ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो उसमें हमें टेक्स्ट बॉक्स पे काम नहीं चलेगा, तो हमें एक बड़ा एरिया चाहिए होता है उस चीज़ों को लिखने के लिए, तो उसके लिए हम कौन सा कंट्रोल यूज़ करते हैं टेक्स्ट एरिया का, उसमें भी हमने रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट है, रो हमने 3 दे दी उसको, कॉलम 30 कर दी, ये आप वैल्यूज डिपेंड अप टू यू, कितना बड़ा आप टेक्स्ट एरिया चाहते हो उन वैल्यूज को उतना आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा फिर ये यहाँ पे उसके अंदर हमने टेक्स्ट लिख दिया, उस टेक्स्ट एरिया के अंदर यहाँ पे आपका टेक्स्ट आएगा, मतलब बताने के लिए कि यहाँ आप अपना यहाँ लिख सकते हो, इंसर्ट योर कमिट हेयर आपके ऊपर है, जो भी टेक्स्ट क्लोज कर दिया टेक्स्ट एरिया। फिर नीचे एक हमने पैराग्राफ ले लिया, यहाँ हेडिंग भी ले सकते हो, जहाँ मैंने पैराग्राफ लिया वहाँ आप H1 H2 कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। कंट्री कर दिया, कंट्री में के बाद हमने कंट्री में एक और हमने यहाँ पे कंट्रोल यूज़ किया, ये टेक्स्ट बॉक्स कर लिया हमने, चेक बॉक्स कर लिया, लेबल कर लिया, ठीक है, टेक्स्ट एरिया कर लिया, अब ये सेलेक्ट वाला है, ठीक है। सेलेक्ट वाले के अंदर हमने क्या किया, सेलेक्ट एक कंट्रोल इसको डिफाइन किया, उसका नेम डाल दिया हमने कंट्री, जैसे बाकी के नेम हमने डाले हुए ई नेम है, जेंडर है, सैलरी है, इसी तरह इसका भी हमने नेम डाल दिया जी, ये कौन सा कंट्रोल है कंट्री के लिए बना रहे हैं, इसका नेम भी हम कंट्री रखेंगे। तो इसमें कौन कौन से हैं, मैं फिलहाल एक ही रख रहा हूँ कंट्री, आप 2-4 बाद में डाल देना इसको, इसी के अंदर ही मजीद काम कर लेना, ठीक है। पहले का ऑप्शन सेलेक्ट में ऑप्शन क्या दिया मैंने, पाकिस्तान, ठीक है, और इसको मैंने ऑप्शन को क्या कर दिया, सेलेक्टेड। अगर मैं इसको अनसेलेक्ट करता हूँ तो क्या होगा, वो जो आपका जो बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स टाइप का बना हुआ आएगा ना उसके अंदर पाकिस्तान लिखा हुआ नहीं आएगा, क्यों, आपने उसको ऑप्शन में यहाँ पे टैग के अंदर सेलेक्टेड नहीं दिया हुआ, ये भी आप प्रैक्टिकली करके देख लेना, ठीक है। उसके बाद हमने जो हमारा कंट्रोल है ऑप्शन इसका सेलेक्ट वाला वो क्लोज कर दिया, और यहाँ पे फिर हमारे लास्ट बटन आ रहे हैं, ये लास्ट के कंट्रोल रहेंगे हमारे, टैग्स और चेकबॉक्स और वगैरह वगैरह तकरीबन सब कर लिए, रेडियो रहता है वो आप बाद में इंक्लूड करते हैं, पहले इस फॉर्म को रन करके देखेंगे। अच्छा यहाँ पे हमने वही इनपुट टाइप ले लिया हमने जी, अभी एक और कंट्रोल डाल रहे हैं यहाँ पे, टाइप कौन सा डाल दिया, सबमिट।
सबमिट, वो खुद एचटीएमएल समझ जाएगा कि जी ये बटन इंसर्ट कर रहा है, ये बाय डिफॉल्ट बने हुए एचटीएमएल के अंदर सबमिट और रीसेट के लिए, ठीक है। और उसके बाद उसका वैल्यू क्या है जी, सबमिट, सबमिट का जो बटन आएगा ये वही वैल्यू यहाँ पे हमने खाली रखा था, देख रहे हो, ठीक है। इसको भी अगर मैं खाली रख दूँ ना, इस वैल्यू को हटा दूँ ये बिल्कुल इसी तरह, तो वो जो बटन बना हुआ आएगा वो इतना सा होगा, उसके अंदर कुछ बटन के ऊपर लिखा ही नहीं होगा, ठीक है। ये वही वैल्यू है जो बटन के ऊपर लिखा होता है, कैंसिल, ओके, देखा होगा ना बटन के ऊपर, तो ये वही वैल्यू है। इसी तरह दूसरा हमने इनपुट टाइप कंट्रोल लिया कौन सा, रीसेट का, उसके वैल्यू हमने लिख दिया उस बटन के ऊपर, रीसेट होना चाहिए। फॉर्म हमने क्लोज कर दिया ये सारे कंट्रोल्स डालने के बाद, ठीक है। अब इन कंट्रोल्स को पहले भी मैं थ्योरेटिकली के लिए समझा चुका हूँ और प्रैक्टिकली यहाँ भी डला हुआ है। अब इसमें ऐसी चीज़ कोई पूछनी है, कोई ऐसी लाइन आपको क्लियर नहीं हो, कोई ऐसा इसमें वर्ड, क्लियर है, रन करें पेज को दोबारा, ठीक है। अच्छा जी, ये मैंने पेज इसको माई फॉर्म के नाम से सेव किया हुआ है, इसको रन करता हूँ मैं, ठीक है जी। ये मैंने टाइटल दिया हुआ था इसका, इसको मैंने सेंटर किया इसीलिए ये सेंटर पे आ रहा है। ये आपका लेबल है, ये तो कैप्शन हो गया, ठीक है। ये जो कैप्शन मैं बता रहा था आपको, ये वो कैप्शन आ गया। अभी एप्लीकेशन फॉर्म है, इसका H2 दिया हुआ है, इतना बड़ा है। अब H3 4 करोगे वो उस हिसाब से चेंज होता रहेगा। ये सारे लेबल है, ये एक लेबल है, बाकी तो हमने पैराग्राफ लिए मेरे ख्याल से, ये देखो चेंज आ रहा है, सैलरी का साइज चेंज है, रिमार्क्स कंट्री का इनका साइज चेंज है। क्यों? ये हमने पैराग्राफ या हेडिंग टाइप के लिए, लेबल फिक्स होता है बिल्कुल, वो चिपक जाता है आपके फॉर्म के साथ, ठीक है। ये आपका एक टेक्स बॉक्स है, ठीक है। इसी तरह एजुकेशन में ये आपके चेक बॉक्स है, इनके आप इसको चेक अनचेक कर सकते हो, ठीक है। ये सैलरी के अंदर भी टेक्स बॉक्स है, यहाँ पे आप अपना टाइप कर सकते हो, माई नेम इज़ जो भी है, ये आप बाकी को डिलीट करके हटा सकते हो। बाय डिफॉल्ट पहले से हमने उस पर लिखा हुआ था वैल्यू, आप हटा के अपना भी रिमार्क्स कमेंट कुछ भी डाल सकते हो। ये कंट्री है, इसमें आप अभी आप और ऐड करोगे, ये जब लिस्ट खोलोगे ना, ये इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट भी कहते हैं, ठीक है। इसमें से आप और कंट्री डाल के सेलेक्ट कर सकते हो, और उसके बाद ये सबमिट होता है। ये सबमिट दबाने के बाद जो है ना, अभी ये इसी इसी पे, ये देख रहे हो, ये आपके पास ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ये इसको मैं कॉपी करता हूँ और एक उस पर मैंने उसको क्या किया, सबमिट दबाया, और इन चीज़ों को अगर अभी देखें शो होता नहीं है, ठीक है। वही चीज़ें वो कॉपी कर रहा है, देख रहे हो, मैंने जो आपको गेट और वाला मेथड बताया था वो सारे चीज़ें उठा रहा है ये, सही है। जो आपको उस पर समझाया था ना कि यूआरएल पूरा आपका वो सेंड करता है, आप नहीं भी दोगे बाय डिफॉल्ट, वो फॉर्म आपने जहाँ पे बता दिए तो फॉर्म में उसके मेथड और टाइप जो है ना बाय डिफॉल्ट वो पहले वाले ही सेट कर देगा। इसका कौन सा इसने सेट किया हुआ, गेट सेट किया हुआ खुद से, मैंने अगर नहीं भी दिया है तो इसने खुद से सेट किया हुआ है, ठीक है। तो अब आप अपना ये इसको कंप्लीट करो इस फॉर्म को, और मुझे इसमें जो है ना ये 3 4 कंट्रीज और ऐड करके दिखाओ, सही है। दूसरा, ये फर्स्ट नेम की जगह यहाँ पे लास्ट नेम भी दो, फादर नेम भी दो, और ये यहाँ पे एजुकेशन दिया हुआ है इसको जेंडर कर दो, मैंने एजुकेशन ये जेंडर वहाँ लिखना भूल गया हूँ, इसको सेट करो। इसमें जो मिसिंग है अब मैं देखता हूँ ज़रा, पिछले तुम लोगों ने पढ़ा है कुछ समझ में आया नहीं है। फॉर्म बनाने का वही तरीका है जो हम लोगों ने जितने HTML में कोडिंग उसी तरह का, सिर्फ यहाँ पे हम कंट्रोल उसको डाल रहे हैं, ठीक है। फॉर्म उस वक्त बनता है जब उसमें वो कंट्रोल होंगे, जब तक ये टेक्स्ट बॉक्स, ये चेक बॉक्स और ये बटन नहीं होंगे ना, तब तक ये एरिया आपका फॉर्म नहीं कहलाएगा। फॉर्म कहते ही उसको जिसके अंदर ये कंट्रोल्स होंगे, ये भी एक डेफिनेशन हो सकती है इसकी, ठीक है।